दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार का शोर खत्म होने के बाद अब वोट डाले जा रहे हैं। आज दिल्ली एमसीडी के 250 वार्ड में वोटिंग हो रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार चौथी बार अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी और आप ने दिल्ली के इस मिनी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुल 1,47,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 80,00,000 पुरुष है और 67,00,000 महिला वोटर शामिल है। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो तमाम पार्टियों को कुल मिलाकर 1,349 उम्मीदवार इस बार एमसीडी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इनमें 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपने कई मौजूदा पार्षदों का इस बार टिकट काटा है। एमसीडी चुनाव के लिए राजधानी में 13,665 बूथ बनाए गए। हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इनमें से 3,356 बूथ संवेदनशील हैं, जहां खास इंतजाम किए गए। अब इस चुनाव का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली के नगर निगम पर कौन काबिज होता है।